चतरा में आयोजित राजद का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया है। राजद के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने राजद को अपनी जमीन मजबूत करने का आह्वान किया है। जो भी प्रत्याशी होगा उसको जितने तो रोक नहीं सकता है। हमने कहा था कि एक सूर्य की रोशनी पूरे विश्व में जला देता है और एक लालटेन की रोशनी पूरा झारखंड और बिहार में जला दे रहा है। जहां जाइए किसी भी जिला में तो आपको राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और सत्यान भोक्ता जरूर मिलेगा। और झारखंड सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारे गठबंधन के सभी नेता इन 5 वर्षों में विकास का, रोजगार का झारखंड में जाल बिछाने का काम किया है और खासकर महिलाओं के लिए, दीदियों के लिए, सास के, पुतों के, ननद के सबको 1,000 रुपया प्रत्येक माह मैया समाज योजना देने के लिए एक एक दो दो महीना सभी को खत्म देने में झारखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। और जो काली मारी जो हमारे दीदी बेटी थी उसको आय के स्रोत के लिए झारखंड सरकार ने 50,000 रुपया अभी तक दे रही है। ये भी सरकार के महत्वपूर्ण योजना है। और खासकर चतरा में चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे स्कूल हो, एक चतरा विधानसभा विकास के मॉडल करते हैं विकसित करने का हमने काम किया। कोई सा प्रखंड नहीं है और कोई सा पंचायत नहीं है और कोई सा गांव नहीं है जहां सत्यान भोक्ता काम नहीं है, रोड नहीं है और भोग नहीं है। हर जगह काम ही काम नजर आता है। और हम ये कह सकते हैं कि जितना काम चतरा विधानसभा में जो अंतिम जंगल पहाड़ में रहने वाले भाइयों बहनों के बीच हमने पहुंचाने काम किया, अन्य क्षेत्रों में इतना काम नहीं हुआ। कुछ लोग देखो निकाले थे परिवर्तन यात्रा करतापुर में था 2 दिन पहले, वहां देखिए एक भी नहीं था परिवर्तन यात्रा में। सभी लोग से आज खड़ा है, भोक्ता जी को भी बधाई देते हैं कि भोक्ता जी ने जो विकास का काम किया है। हमने रास्ते में आते हैं पुल देखा, पुलिया देखा, सड़क देखा और जो है हर जातियों में सम्मान देखा। और राष्ट्रीय जनता दल के साथियों कार्यकर्ताओं के प्रति जो सम्मान है वो देखने का काम किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि धारा पाटन लाल में चलाया है कि देश में पेट की भूख और मन की भूख दो तरह से जो है गुलाम बनाता है रखा गया। अगर इंसान को पेट की भूख को 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा अगर सहना पड़े तो सह लेना, लेकिन अगर दिमाग से नहीं सकता हो यहां से संकल्प लेके जाना है। झारखंड का जो सपना हर चेतन का पार्टी ने झारखंड वासियों को दिखाया था वह एक भी सपना पूरा होने का काम नहीं किया। और बहुत अच्छे लोग भाई हमारे देशवासियों की अरे भैया सुरेंद्र कुमार यादव जी ने कहा इनको काम से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने नेताओं को बतलाना चाहता हूं, मोदी जी पिछले लोकसभा चुनाव में अब एक तीन गर्भित ट्रेन है मंडल ट्रेन जिसे झारखंड से लेकर के बिहार तक का सिंचाई होता है। और उस ट्रेन का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार शिलान्यास किया जो चतरा जिला के बरौनी में वह ट्रेन पड़ता है। वहां ट्रेन में सिर्फ गेट लेते हैं, आप समझिए कि चतरा हजारीबाग कुंडला सिमडेगा करोड़ों करोड़ ये 10 भारत में
पीने की पानी की सुविधा होगी और पलवा हो। आप अगर जातीय गंगा करा लेंगे तो किस रूप से हमारे जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े अति पिछड़े, दलित महादलित, अल्पसंख्यक समाज जो सबसे पिछले पंक्ति में बैठे हुए हैं, उन्हें हम विकास के मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। साथी देखिए, ये बहुत बड़ा पर्व इस झारखंड में प्रारंभ होने वाला है। झारखंड में चुनाव है, हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव वोटिंग है, 5 अक्टूबर को हरियाणा में। हरियाणा में इस बार सुपड़ा भारतीय जनता पार्टी का साफ हो चुका है। साथी साफ हो चुका है, ये झारखंड तय करेगा। जिस तरह से महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास करते हुए झारखंड को एक नई पहचान दिलाने का काम कर रही है, उस सरकार को हम लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से जो भी साथी, जो भी आपके बीच के साथी, जहां भी प्रत्याशी हो, वहां सारे किले सिकवे भुलाकर पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता बंद होकर के लालू प्रसाद यादव जी के हाथों को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए पूरी अपनी ताकत पार्टी कार्यकर्ता सब लोगों को लगा देना है और एनडीए सरकार को यहां से पुनः खदेड़ करके भगा देना है। यही आग्रह और विनती करने के लिए हम आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, जिस तरह से कार्यक्रम का इन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया, इसके लिए माननीय मंत्री जी को हम पार्टी के तरफ से हमेशा से वो आपके बीच ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग रांची में रहते हैं और हम लोग अपने मंत्री जी को खोजते रहते हैं, लेकिन पता चलता है कि मंत्री जी क्षेत्र में है। तो आप लोग बताइए, क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे जो अभिभावक लोग आए हैं, हम चाहते हैं कि अपना समय भी उनको दे। हम तो बोलते रहते हैं, हम आपके बीच हमेशा आते रहते हैं। और मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।